नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, फाउंडेशन लेवल से बच्चों के जो बेस है उसे मजबूत करना सबसे पहले कोचिंग की प्राथमिकता होती है। हम बता दें कि टारगेट कोचिंग दरभंगा के लहरिया सराय सैद नगर में अवस्थित है, जिसके संचालक बच्चों के आठवीं वर्ग से ही उन्हें टारगेट को, जो उनका टारगेट होता है मेडिकल और इंजीनियरिंग, आप जानते हैं कि प्रारंभ से ही उसको अलग अलग विषयों पर पकड़ मजबूत करना है। फर्स्ट फाउंडेशन डे के अवसर पर वहाँ मौजूद जो वहाँ के टारगेट कोचिंग के इंचार्ज हैं, उन्होंने बताया कि अभिभावकों के बीच जो एक विश्वास होता है कोचिंग संस्थान के प्रति, उसे पूरा करना है और टू वे कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है। क्योंकि जो कोटा में है वहाँ देखिए, वहाँ से भाग रहे हैं लोग, वहाँ से छात्र भाग रहे हैं, तो एक विश्वास है कि हम लोग जो करते हैं वो टू वे कम्युनिकेशन है। बच्चों को बताते हैं कि किस तरह आठवीं से ही बच्चों को टारगेट तक उसे कम्प्लीट किया जाता है ताकि बच्चे सफल हों। पहला फाउंडेशन डे के अवसर पर इसके संचालक डॉक्टर गौरी शंकर झा के साथ अन्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने इस संस्था को मजबूती प्रदान की है। देखिए पूरी रिपोर्ट, क्या कहते हैं टीचर। आज एक साल हमारे लिए तो सबसे बड़े बहुत ही खुशी का समय है कि आज एक साल हो गया हमने जीरो लेवल से स्टार्ट किया। आज यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं और बच्चों में जो मैंने लास्ट ईयर का जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया था उसके जो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद उनके जो स्कूल के एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस है उनमें 40% का इंक्रीज हुआ है। तो 40% हमारे लिए बहुत है, हमको लाना है कि उसमें और उनका जितना भी इंक्रीज हो सके, जो उनके परसेंटेज में जो उन्होंने जो लास्ट ईयर का एग्जाम दिया है उसके बनिस्पता है, तो निकट भविष्य में उनको और फायदा हो सके उसके लिए हमारे पास और भी डॉट क्लासेस को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। और भी जो टीचर से जिस भी सब्जेक्ट के लोगों को डाउट्स होती है तो उन लोगों के लिए हम लोग स्पेशल व्यवस्था करते हैं। लास्ट ईयर हम लोग कुछ दिन पहले संडे को भी हमने बायो का ये करवाया था, डॉट क्लास करवाया था। तो इस तरह की जिस तरह के बच्चों की डिमांड रहती है तो हम लोग का उस डॉट क्लास पे फोकस रहता है कि हाँ बच्चों को जिस क्लास में समझ नहीं आ रहा है तो उनको सर्वांगीण विकास हो सके। खासकर यहाँ पे जो बच्चे आते हैं तो उनके माता पिता निश्चिंत हो जाएं कि हम स्कूल जा रहे हैं, सॉरी कोचिंग जा रहे हैं, तो उस कोचिंग पे फोकस हो, पढ़ाई का एक विश्वास के साथ वो भेजते हैं, हम उस विश्वास पे आगे बढ़ रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्वेता, डॉक्टर श्वेता जी। देखिए आज हमारा फर्स्ट फाउंडेशन डे है, डे वन से मैं यहाँ एक परिवार की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं इन सब चीज़ों को कि बाहर जाके बच्चे पढ़ रहे हैं, और अभी रिसेंट आप देखे होइएगा कि दिल्ली में क्या हुआ है यूपीएससी के बच्चों को, बहुत रिसेंट घटना है कि लड़के बेसमेंट में जाके क्लास कर रहे हैं, लड़के अपना जान गंवा दिए। हमारे ही बिहार की 2-3 बच्चियां जो है उनका जान चला गया। तो बड़े बड़े कोचिंग, बड़े बड़े बैनर के तले हम चले जाते हैं, लेकिन जो असलियत है उन सब चीज़ों से हम एकदम अपने आप को बेखबर कर लेते हैं। जो असलियत है, जो हमारा अपना मिट्टी है, यहाँ से जुड़ के यहाँ की चीज़ों को हम समझेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, और इससे क्या होगा कि हम चाहते हैं बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि बच्चे किस तरीके से आगे बढ़े, उसके लिए हम जो है सो बच्चों को, जैसे मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो उनको बेसिक से हम इतना अच्छा उनका बेसिक दे देंगे कि उनको हायर में जाके कोई मतलब किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी आप जाइए कोटा में तो आप देखिएगा बहुत सारे हॉस्टल्स खाली चल रहे हैं। पहली चीज़ तो है ऐसे लोगों का मनमाना चलता है कि बच्चे हैं जितना लूट सकें लूट लें 2-3 सेशन में। तो हमारा ऐसा है कि फी हमारे कोचिंग का बहुत कम है, बहुत ही कम फी, और कम पैसे में, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने अच्छे से हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाए, अच्छी सुविधाएं दे पाए, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा बहुत अच्छा है। इन सब चीज़ों को लेकर अगर हम देखें तो बच्चों का एक अच्छा विकास हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि बच्चे आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं टीचर्स के साथ, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो एक इंटरैक्शन जो है सो होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो जिस तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं ये हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादा चलता है, यहाँ पे हम लोग टू वे पे फोकस करते हैं कि बच्चे किस तरीके से अपनी चीज़ों को शिक्षक के पास रख पाए। हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट लास्ट ईयर ऑन 4th of August 2023 दिस कोचिंग हैज बीन ओपन्ड इन लहरिया सराय सैद नगर, एंड बिफोर दिस मेनी ऑफ अस वेयर स्टडिंग इन होम ट्यूशंस, वेयर ऑल ऑफ अस वेयर टॉट बाय ओनली वन टीचर विच वॉज नॉट सेटिस्फाइड फॉर द सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड साइंस, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल टिल क्लास 7th, बट फॉर क्लास 8 to 12 I don't think that only one teacher can teach us like this much. And when I came here, I see many different teachers for science, like physics, chemistry, bio, all have been taught by different teachers. For maths also different faculty is there, SSP also different, and English also. So
all the faculties are teaching their strong part and through which they are giving us the right information and the correct and the best. As I can say, from last 4 to 5 months, I have been studying out here, and this was a wonderful experience to me, as I have seen the ups and downs in my studying life. But whenever I got out here and I have seen the different modules of studying out here, I can say it is the best and the better one in the whole environment of the Lahiriya Sarai, and this is the best institution anyone can get in this surrounding. So I prefer all of you to please be part of this institution and gain the wonderful knowledge as much as you.